नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हिमाचल विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा, 14 मिनट रुकी सदन की कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष बोले, हम व्यवधान नहीं डालना चाह रहे थे। सीएम ने कहा, हम लाएंगे अपनी योजनाएं। प्रश्नकाल के दौरान उठा बागवानी नीति और जल जीवन मिशन का मुद्दा, विधायकों की मांग पर सरकार ने जांच का दिया आश्वासन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई हल्की नोकझोंक। सदन में उठी पाइप खरीदी मामले की जांच की मांग, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ली चुटकी। कहा, पूर्व की सरकार में लगाए गए केवल नलके, रैलियों में बैरिकेडिंग लगाने के लिए हुआ पाइपों का इस्तेमाल। जनमंच कार्यक्रम बंद करेगी सुक्खू सरकार। जनमंच पर पूछे सवालों पर पंचायती राज मंत्री का बयान, पिछले 5 साल में जनमंच पर खर्च हुए 5.34 करोड़ रुपए, करीब 46,000 शिकायतों में से 1900 का नहीं हुआ निवारण। सोलन में फूड पॉइजनिंग से 4 लोग बीमार, 1 शख्स की मौत। खाई थी मशरूम और गोभी की सब्जी, सभी पीड़ित यूपी के रहने वाले। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के जिले में बंद हुए 51 सरकारी स्कूल, सराज और धर्मपुर में सबसे ज्यादा स्कूल डी नोटिफाई। प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक अमरनाथ राणा ने दी जानकारी। हिमाचल में मंगलवार को फिर कांपी धरती, देर रात करीब 10:17 पर महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, किसी तरह के बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं। चैत्र नवरात्र के धूमधाम से हुई शुरुआत, हिमाचल के शक्तिपीठों में दर्शन पूजा को लेकर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। माता मंदिरों में विशेष पूजा और अनुष्ठान शुरू। और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र का आज 7वां दिन है। प्रश्नकाल के बाद बजट सत्र पर सामान्य चर्चा हुई, हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 14 मिनट के लिए बाधित, व्यवधान डालना बाधित हुई और इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम ये व्यवधान डालना नहीं चाहते थे और साथ ही सीएम सुक्खू ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी खुद की योजनाएं लाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने भी बजट की तारीफ। बजट सत्र का 7वां दिन है, हल्की फुल्की नोकझोंक भी इस दौरान देखने को मिली, हंगामा भी हुआ जिसके चलते 14 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आया कि हम व्यवधान नहीं डालना चाह रहे थे। साथ ही सीएम सुक्खू ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी योजनाएं लाएंगे और भोजन अवकाश के लिए अभी सदन की कार्यवाही स्थगित है। आपको बता दें 7वां दिन है कार्यवाही का, बजट पर चर्चा का 3रा दिन है। लगातार विपक्ष तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, हल्की फुल्की नोकझोंक आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिली। वहीं बागवानी मंत्री ने परियोजना की जांच का भरोसा दिया है। जगत सिंह नेगी ने प्रोजेक्ट के तहत 80 लाख उन्नत किस्म के पौधे लगाने का लक्ष्य था, अब तक करीब 10 लाख पौधे लगाए गए। सीए स्टोर और मार्केट यार्ड से संबंधित 80% काम पूरा हुआ। 2019 में वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्ट रिव्यू कर 1066 करोड़ का प्रोजेक्ट पर श्वेत पत्र सरकार जारी कर इस तरीके की तमाम जानकारियां विधानसभा में दी। कुलदीप राठौर बागवानी मंत्री ने आश्वासन दिया। भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि इस परियोजना में हेराफेरी की आशंका है। ये तमाम बातें सदन में उठी। वहीं जल जीवन मिशन के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। इस मिशन के तहत पीने के पानी के अब तक 9,22,795 कनेक्शन लगे, केवल 36,463 कनेक्शन लगाना शेष है। विधायक सुखराम चौधरी और रणधीर शर्मा ने ये सवाल किया था। विधायक राजेश धर्माणी ने भी सवाल किया। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि घर घर पेयजल पहुंचाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने सिर्फ नल लगाए और उनमें जल नहीं पहुंचा, इस तरीके से उन्होंने कहकर चुटकी भी ली है।
वहीं पूर्व सरकार में पाइप खरीदी का मामला भी गूंजा। पाइप खरीद मामले की जांच की मांग की गई। पूर्व सरकार में खरीदी गई 2000 करोड़ की पाइप, जबकि सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी जानकारी दी और कहा कि रैली में बैरिगेटिंग के लिए पाइप का इस्तेमाल किया गया। जल जीवन मिशन में सोर्स की अनदेखी की गई है। सदन में दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। तो आज कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में गूंजे, जिस पर हल्की नोकझोंक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिली। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, आज की सदन की कार्यवाही में कई अहम मुद्दे गूंजे और हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। किस तरीके से रहा फर्स्ट राउंड और अब भोजन अवकाश के बाद क्या कुछ अहम होना है सदन की कार्यवाही में? रणबीर, जी हाँ, देखिए आज वो सब हुआ जो हंगामा सदन में देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सालों बाद हमने विधानसभा के बजट सत्र में देखा कि हंगामा इस तरह से बरपा है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। प्रश्नकाल के बाद जब अंतिम प्रश्नकाल के समय जब अंतिम प्रश्न चल रहा था, उसके जवाब में जब जनमंच को लेकर ये कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जिनके पास ये विभाग है पंचायती राज और ग्रामीण विकास, जब उन्होंने सदन में ये कहा कि जनमंच को बंद कर दिया जाएगा इस कार्यक्रम को, उस पर जब नेता प्रतिपक्ष बोलने उठे तो उन्होंने सदन में ये कहा कि ये जन समस्याओं का, खासकर ग्रामीण इलाकों में जन समस्याओं के निवारण का बहुत बड़ा मंच है, इसे बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पर जब बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जब ये सदन के भीतर कहा कि ये जन मंच नहीं था, ये जो है ये लंच मंच था, और इस जनमंच कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बुलाया जाता था बड़ी संख्या में, और इस पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। पहले तो विपक्षी सदस्यों और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच में नोकझोंक हुई, फिर ये नोकझोंक जो है नारेबाजी में तब्दील हो गई। बाद में जो विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच इस शोर शराबे और हंगामे के बीच स्पीकर ने जो बजट पर जो सामान्य चर्चा होनी थी वो शुरू कर दी, और उसमें विक्रमादित्य सिंह को चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जैसे ही आमंत्रित किया, उस वक्त शोर जो है और बढ़ गया, नारेबाजी जारी रही, और नारेबाजी करते हुए फिर विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। तो इसमें स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को 14 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। ठीक 12:16 पर यह स्थगित की गई और 12:30 के लिए फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, हालांकि उसके बाद हंगामा नहीं हुआ। देखिए, जिस शब्द को लेकर आपत्ति जताई गई विपक्ष की तरफ से, वो लंच मंच जब कहा गया जनमंच को, और उसमें ये भी दलील सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी रखी गई थी कि इस जनमंच में अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाता था, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता था, और कई बार जो जेन्युइन समस्याएं लेकर आते थे उस समस्या का समाधान नहीं होता था तो उस माइक की आवाज बंद कर दी जाती थी। और जब राजस्व मंत्री ने अपना किस्सा सुनाया कि कैसे जब उन्होंने कोई सवाल पूछा तो उन पर उस जनमंच के कार्यक्रम के 3 दिन बाद उन पर एक FIR भी दर्ज की गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हंगामा बहुत ज्यादा हुआ, और जो राज्य सरकार ये चाहती थी, राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि जनमंच के स्थान पर एक नया कार्यक्रम राज्य सरकार लेकर आएगी, और यहाँ पर हवाला मुख्यमंत्री ने ये दिया कि ये जो कार्यक्रम होगा, नई सरकार बनती है तो अपने कार्यक्रम और नीतियां जो है इसमें लाई जाती हैं, तो इस कार्यक्रम को जो है हम नए रूप में पेश यहाँ पर करेंगे। तो कुल इससे पहले अगर हम सदन की कार्रवाई की बात करें तो सदन में सबसे पहले जो बागवानी मिशन को लेकर सवाल, यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक है कुलदीप सिंह राठौर, उन्होंने प्रश्न लगाया था कि क्या इसमें जो लक्ष्य तय किया गया था 1134 करोड़ का ये वर्ल्ड बैंक फंडेड ये प्रोजेक्ट था, क्या इसका लाभ बागवानों को मिला है? वो लाभ नहीं मिला, और इस पर उन्होंने कहा कि जो जवाब आया उसमें लिपापोती की गई है, इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग जो कांग्रेस के सदस्य है, विधायक है, उन्होंने यहाँ पर मांग की। और उसके बाद जो पाइप खरीद घोटाला की जो बात कांग्रेस जब चुनाव थे उस वक्त किया करती थी, उस पर आज ये भी सदन में गूंजा, और यहाँ पर
जब जो उप मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि इसमें करीब करीब 2000 करोड़ की पाइपें खरीदी गई है। सवाल लगाया गया था केवल सिंह पठानिया और सुधीर शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं, और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कैसे संभव है कि आप एक ही तरह की पाइप खरीदते हो लेकिन 10 फर्मों को आपने ये टेंडर दिया था और 1700 करोड़ की पाइपें एक ही फर्म से खरीदी गई और कभी उड़ीसा से खरीदी गई, कभी दिल्ली से, कभी गाजियाबाद से। कह सकते हैं कि जनता से जुड़े हुए बहुत अहम मुद्दे आज सदन में गूंजे हैं, इनको लेकर हल्की नोकझोंक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिली है। इसके अलावा अब जब सदन की कार्यवाही रिज्यूम होगी आज के दिन, तो क्या कुछ अहम रहने वाला इस सेकेंड हाफ में? देखिए, अब इसके बाद तो देखिए जो बजट पर सामान्य चर्चा शुरू हो गई है, तो इसकी आज के जो सामान्य बजट की पर जो चर्चा की जो शुरुआत है वो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की है। उन्होंने अपना वक्तव्य यहां पर दिया है और इस बजट के समर्थन में अपनी बात कही है। इसके बाद जब घोषणा अवकाश के बाद फिर से कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्षी सदस्य इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, और जाहिर सी बात है कि बजट में खामियों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश यहां पर विपक्षी सदस्य करेंगे और सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर जवाब देंगे। तो आज सदन की कार्यवाही वैसे तो 5 बजे तक है, लेकिन हमने पिछले जब से ये चर्चा की शुरुआत हुई है कि बोलने वाले सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, तो ऐसे में सदन की कार्यवाही का समय जो है वो बढ़ा दिया जाता है। 10 मिनट। बिल्कुल रणवीर, और हम आशा करते हैं कि भोजन अवकाश के बाद भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही सदन में गूंजेंगे और जो सिलसिला चला आ रहा है नोकझोंक का, वॉकआउट का, वो ना हो और जनता की समस्याओं का हल यहां से निकल सके। रणवीर, नजर बना के रखिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सदन में जनमंच कार्यक्रम को लेकर भी सवाल खड़े किए गए, जिस पर पंचायती राज मंत्री ने बड़ी बात कही और कहा कि जल्द ही जनमंच कार्यक्रम बंद होंगे। उन्होंने बताया कि 5 साल में जनमंच पर 5,34,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। 45,726 शिकायतों में से 1905 का समाधान नहीं हो पाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत सिंह नेगी मौजूद हैं। सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि वो जो जनमंच है वो लंच मंच तक सीमित था, हालांकि ये कहा गया कि 45,000 के करीब जो है शिकायतें आई और 900 के करीब कुछ कम जो है निवारण उनका बचा हुआ है। अभी जो विधानसभा का बजट सेशन चला हुआ है, ये वर्तमान सरकार का पहला बजट सेशन है और जो हमारी भाजपा की सरकार अब अपोजिशन में है और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये देखने में आ रहा है कि हर मुद्दे पर अब उन्होंने एक ये सोच रखा है कि मैंने बीच में जो है बोलना ही बोलना है। आज भी यही बात हुई कि प्रश्न काल जो था उसमें जनमंच के बारे में प्रश्न आ गया था, उसका सप्लीमेंट्री भी आ गया था, मंत्री महोदय ने उसका जवाब भी दिया था। जब प्रश्न काल समाप्त होने के बाद फिर जयराम जी खड़े हो गए, जबकि नियमों में कोई प्रावधान नहीं है कि जो प्रश्न का जवाब दिया गया उसके बारे में फिर वो जिक्र करे, या तो उनको कोई अन्य नियम के तहत चर्चा लानी चाहिए, परंतु फिर भी माननीय स्पीकर महोदय ने उनको मौका दिया तो उसमें हम कोई एतराज नहीं है। स्पीकर, आपने जरा लंच मंच क्यों कहा जनमंच को? क्योंकि ये जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि इनका बहुत बड़ा जो है एक कार्यक्रम था, बताना चाह रहे हैं अगर जनमंच इनका सफल हुआ होता तो आज ये विपक्ष में नहीं होते। 45,000 के करीब शिकायतें थी, उनमें 43,000 का निवारण हुआ। जनमंच क्यों मनाया गया? जनमंच इसलिए किया गया कि बीजेपी के नेताओं को सुनने के लिए, मंत्रियों को सुनने के लिए लोगों ने जाना छोड़ दिया था, तो इन्होंने नया तरीका निकाल दिया, सरकारी खर्च पर जो है जनमंच का आयोजन किया गया। और उसमें भी आपने देखा लंच मंच, मैंने इसलिए कहा कि लंच के ऊपर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया, टेंट पर भी 2 करोड़ से ऊपर। अब बताइए शामियाना किसके लिए लगाया गया? शामियाने और लंच में सारा पब्लिक का पैसा खर्च कर दिया। हमारे यहाँ पंचायत घर नहीं है, पर अगर इतना पैसा 5-10 करोड़ रुपए ये पंचायत घरों को देते तो कितनी पंचायतें पंचायत घर बन जाते। क्या कैसे जो है सरकार की भी जिम्मेदारी रहती कि सदन सही तरीके से चले? हम कभी भी गतिरोध नहीं चाहते, हम भी विपक्ष में थे, हमेशा जो है हमने नियमों के तहत ही मुद्दे उठाए, ये नियमों के तहत मुद्दे उठाए, हम हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार बैठे।
तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ने तफसील से बताया कि अंदर सदन के भीतर क्या हुआ, और यहाँ पर ये दलील दी जा रही है कि जो ऐलान सदन के भीतर हुआ है कि जनमंच कार्यक्रम को बंद किया जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम सही नहीं था। ऐसा जो है अब जो कांग्रेस सत्ता में आई है वो ये कह रही है, और जो सदन के भीतर जो गतिरोध हो रहा है इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। चलिए आगे बढ़ेंगे, सोलन से आपको खबर देंगे, जहां के धर्मपुर में खाना खाने के बाद चार लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि तीन में से दो लोगों को सोलन के एक क्षेत्रीय अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मामला फूड पॉइजनिंग का बताया जा रहा है। सोलन अस्पताल में भर्ती मरीज की पत्नी ने बताया कि रात को उनके पति, बेटे और दो दोस्तों ने मिलकर मशरूम और गोभी की सब्जी खाई थी, जिसे खाने के बाद इन सभी की तबीयत बिगड़ गई। ये सभी लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पेशे से कारपेंटर हैं। खाना में मेरा और रात को ये लोग सब्जी, चावल, आलू गोभी के मशरूम का सब्जी खाए थे जी। अब उतने में उसके बाद में एक और आदमी को उल्टिया हुआ, फिर इनके हुए, लड़का का हुआ, सब कोई के उल्टिया हुआ, फिर यहाँ कौन सी धर्मपुर हॉस्पिटल में भेजे रहा, फिर तो एम्बुलेंस करके आए जी। फिर रात से एक बंदा भी वो हो गया, मर गया। किसे मशरूम के सब्जी खाए थे जी, कसौली में से रात को मंडी से ले आए होंगे, बनाए थे सारे कोई खाए थे। और इस बीच जिला मंडी से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पूर्व सीएम के जिले में 51 सरकारी स्कूलों को डीनोटिफाई किया गया है। जयराम ठाकुर के गृह जनपद का ये पूरा मामला है। स्कूलों में कोई दाखिला ना होने के चलते ये फैसला लिया गया है। 39 प्राइमरी और 12 मिडिल स्कूल बंद किए गए हैं। सराज और धर्मपुर में सबसे ज्यादा स्कूल डीनोटिफाई किए गए हैं, साथ ही जरूरत होने पर ये स्कूल फिर से खोले जा सकते हैं, ये भी बयान आया है सीएम सुक्खू का। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अमरनाथ राणा ने ये तमाम जानकारियां साझा की हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडी नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जनपद है, और वहां से बड़ी खबर, जहां 51 स्कूलों को डी नोटिफाई किया है। अभी हाल ही में हिमाचल सरकार शिक्षा विभाग ने कुछ स्कूलों को डी नोटिफाई किया है 16 मार्च 2023 को। ये वो स्कूल थे जहां बच्चों का जो नामांकन था वो जीरो था, शून्य था। हमारे जिला मंडी में ऐसे स्कूलों की जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स थे उनकी संख्या 39 थी, और जो स्टैंड अलोन मिडिल स्कूल थे उनकी संख्या 12 थी। क्योंकि इन्हें इसलिए डीनोटिफाई किया गया, इन स्कूलों में बच्चों का नामांकन शून्य रहा है, तो अभी सरकार का आदेश है कि आने वाले टाइम में अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको नोटिफाई भी किया जा सकता है। हिमाचल में मंगलवार देर रात करीब 10:17 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ये झटके 2 से 3 बार महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में जमीन के अंदर 156 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई है, जिसकी वजह से भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में 10वीं राष्ट्रीय स्तरीय पेचक सलाट मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें हिमाचल के देवांश बिष्ट ने कांस्य पदक जीता। 11 साल के देवांश बिष्ट का अपने गांव कल्पा पहुंचने पर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पारंपरिक किन्नौरी टोपी और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर देवांश ने कहा कि वो एक पुलिस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल करना चाहते हैं। में नेशनल लेवल में गए थे खेलने पेंचक सिलाट में, उसमें से मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इससे पहले भी मैंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लगाए हैं। स्टेट पे मेरे में दो गोल्ड और एक सिल्वर आया है, और डिस्ट्रिक्ट में मेरे 3 गोल्ड आए हैं। 5 दिन पहले मैं किनार आया, अपने घर में आया। सबसे पहले मैं अपने अपी से मिला, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ के यहाँ मंदिर में माथा टेका। और अपना हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इस पावन पर्व पर मां भगवती की 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र को बेहद पवित्र माना गया है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस बार की चैत्र नवरात्र को बेहद खास माना जा रहा है। चैत्र नवरात्र के साथ आज से हिंदू नववर्ष शुरू हो चुका है। नवरात्र के 9 दिनों में आदिशक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें पहले दिन लोगों ने मां शैलपुत्री की पूजा की। पूजा पाठ के लिए देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हम आपको हिमाचल के 5 प्रमुख देवी मंदिरों की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर और देहरा के बनखंडी में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं सिरमौर के त्रिलोकपुर में महामाया माता बाला सुंदरी मंदिर, मनाली में हिडिंबा माता मंदिर और नूरपुर के रत्तेघर माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हिमाचल के अलग अलग शहरों से माता के मंदिरों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नवरात्र के पहले दिन पर माता की पूजा अर्चना करने के लिए, विशेष अनुष्ठान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। माँ बगलामुखी की तस्वीर आप देख सकते हैं, देहरा से सामने आई है। बिलासपुर में शक्तिपीठ माँ नैना देवी की तस्वीर है। माता बाला सुंदरी की तस्वीर त्रिलोकपुर से सामने आई है। वहीं नूरपुर से रत्तेघर माता मंदिर की तस्वीर और मनाली से हिडिंबा माता मंदिर की तस्वीर सामने आई है। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और अगले 9 दिनों तक इसी तरीके से भक्तों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं, माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। अलग अलग स्वरूपों की पूजा माता रानी की जाती है। वहीं चैत्र नवरात्र के पहले दिन कुल्लू घाटी के देवी मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ के शीतला माता मंदिर, माता भुवनेश्वरी मंदिर, माता वैष्णो देवी में विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उधर लगघाटी भट्टी में हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर लोगों ने अपने अपने कुल देवता और कुल देवी की मंदिरों में भी पूजा की और आशीर्वाद लिया। नवरात्र का पर्व यहाँ के लोगों के लिए सबसे खास होता है। साथ ही मनाली में हिडिंबा माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, भेखली माता मंदिर और वैष्णो माता मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन के साथ साथ आज हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी हो रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने मां से सुख और समृद्धि की कामना की है। और चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मां चैत्र नवरात्र की शुरुआत बड़ी धूमधाम से हुई। सुबह की आरती और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ श्रद्धालु आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। इस मौके पर हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह यहां पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों की तैनाती है। पूरे नैना देवी क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात हैं। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 जीकेएलएच के साथ। नमस्कार।